नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज सुबह से मेरे पास कंटिन्यूअसली मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं और इस टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा मैसेज मैं देख पा रहा हूं। यहां पर आज सुबह का पॉजिटिविटी पार्ट भी नहीं बन पाया था और इसी कारण से बहुत जरूरी हो गया था कि ये मैसेज सही समय पर आप तक भी पहुंचा दूं। मैसेज मेरे पास ये आ रहे थे सर कि भारत में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है और कर्नाटक में केसेस आ चुके हैं, मुंबई में केसेस मिलने शुरू हो चुके हैं, दिल्ली में भी केसेस आ रहे हैं। आखिर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस यहां पर क्या कहती है कि क्या ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा डेंजरस है या ओमिक्रॉन से हमें कोई बड़ा खतरा होने वाला है? क्या ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा तबाही मचाएगा? आपकी कैलकुलेशन इस पर क्या कहती है? ओमिक्रॉन को डेल्टा से कंपेयर किया जा रहा है, ये मैंने भी थोड़ा सा देखा था कुछ दिनों पहले न्यूज में कि ओमिक्रॉन और डेल्टा के बीच में कंपैरिजन हो रहा था। एंड उसके बाद मैंने भी अपना कैलकुलेटिव कैलकुलेशन कि डेल्टा वर्सेस ओमिक्रॉन कौन रहेगा ज्यादा खतरनाक, वो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल टर्म पे बनाकर आप सभी को दे दिया था। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें यूज करी थी और वो वीडियो आप सभी तक पहुंच गया है। अगर अभी तक भी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए और उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा ताकि आपको फायदा मिलेगा और आपको पता चलेगा कि डेल्टा ज्यादा खतरनाक है या ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक है। अब यहां पर देखते हैं कि ओमिक्रॉन आखिर कब तक किस लेवल से और कितने हद तक ये तबाही मचाएगा और क्या वाकई में ओमिक्रॉन भारत में भी डेंजर रोल प्ले करने वाला है या नहीं करने वाला है। देखिए, सबसे पहले भारत में ओमिक्रॉन की जब एंट्री हुई, मैंने वो कैलकुलेशन भी यहां पर नोट करी है। जब पहली बार इसकी न्यूज फ्लैश हुई कि ओमिक्रॉन पहुंचा भारत और पहली बार जो एक डिटेक्ट हुआ कि हाँ दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस और इस वेरिएंट का नाम जो है वो ओमिक्रॉन है, तो मैंने उस कैलकुलेशन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करी। एंड उसके बाद मैंने कुछ और भी मेथड्स इसमें यूज़ किए हैं और उन मेथड्स के तौर पर मैं आपको ये एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय की प्रश्न कुंडली भर भी अपने सामने लेके बैठा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये इम्पैक्ट ज़्यादा देगा या नहीं देगा, ये किस लेवल पर ये वायरस आप सभी को नुकसान पहुँचा सकता है या नहीं नुकसान पहुँचा सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा और इसको पॉजिटिवली ही लेने की कोशिश करिएगा, नेगेटिव बिल्कुल भी मत लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये नया जो वायरस है, कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है या नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ तो मैंने उस वीडियो में भी कह दी थी कि ओमिक्रॉन विल नॉट बी मोर डेंजर देन द डेल्टा, मतलब कि क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में और इंडिया में अब तक जो सबसे खतरनाक वेरिएंट माना गया है वो डेल्टा ही माना गया है और पिछले कुछ समय से भारत में अगर किसी ने नुकसान किया है तो डेल्टा वेरिएंट ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, तो इसीलिए डेल्टा वेरिएंट को काफ़ी ज़्यादा डेंजर वेरिएंट माना गया था। नाउ देर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द ओमिक्रॉन एंड द डेल्टा, बट ये भी कंफर्म मैंने बता दिया आप सभी को कि डेल्टा हमेशा डेल्टा ही रहेगा एंड डेल्टा विल बी ऑन द टॉप। ओमिक्रॉन डेल्टा नहीं बन सकता, ना ही ओमिक्रॉन डेल्टा की जगह ले सकता है, ना ही ओमिक्रॉन डेल्टा के जितना डाइवर्स या जितना खतरनाक यहाँ पर हो सकता है, डेंजर हो सकता है। तो इसीलिए ये तो चीज़ आप सभी के दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा डेंजर वायरस नहीं बन पाएगा। सेकेंड कैलकुलेशन, क्या ओमिक्रॉन डेंजर रहेगा, इसके पीछे एक रीज़न और भी बनता है कि ओमिक्रॉन तभी तक डेंजर रोल प्ले कर पाएगा जब कि इसका वैक्सीनेशन नहीं आ जाता या हमारी जो वैक्सीन्स हैं अभी जो अवेलेबल वैक्सीन्स हैं उसमें ओमिक्रॉन के लिए इलाज नहीं मिल जाता, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि वैक्सीन्स ओमिक्रॉन पर प्रभावी नहीं हैं। बट जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन्स प्रभावी रहेंगी, ऐसी न्यूज़ बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगी और वैक्सीन्स में हो सकता है कि कोई थोड़े से वेरिएशंस करने पड़ेंगे या फिर कुछ और नई चीज़ आ जाए जो कि ओमिक्रॉन पर प्रभावी रहे, तो वैसा भी न्यूज़ हम सभी को देखने को ऑलमोस्ट शायद मिल चुका है या बहुत जल्दी मिल जाएगा एंड ओमिक्रॉन पर वैक्सीन्स काम करेंगी, ये भी बहुत क्लियर है। नाउ द थर्ड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओमिक्रॉन यहां पर कितना खराब इंपैक्ट डालेगा या फिर इसके सिम्टम्स कितने खराब रहेंगे। देखिए, ओमिक्रॉन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नाउ डेल्टा क्योंकि हाईएस्ट डेंजर वायरस बन चुका है, यहां पर हाईएस्ट डेंजर वेरिएंट बन चुका है, यहां पर देर इज अ पिरामिड, ट्राई टू अंडरस्टैंड देर इज अ पिरामिड। अब पिरामिड में क्या होता है कि जब आप यहां पर कोरोना वायरस शुरू हुआ आपका एंड धीरे 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 टॉप पे डेल्टा आ गया, नाउ देर इज अ डेल्टा टॉप, अब डेल्टा के ऊपर कुछ नहीं है,
डेल्टा के बाद अब जो भी होगा वो स्लोप डाउन ही जाएगा, मतलब कि अब डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, एंड देयर इज अ फिनिश। सो नाउ देयर इज अ टाइम टू कन्वर्टिंग द वायरस इनटू द फ्लू। ये बात मैंने पहले भी कह दी कि सूर्य ग्रहण जैसे ही शुरू होगा वायरस का खात्मा शुरू हो जाएगा। ग्रहण से ग्रहण यहां पर योग है, 2 साल का योग था 2019 के ग्रहण से लेके 2019 दिसंबर में जो ग्रहण बना था, 2021 दिसंबर के इस ग्रहण से यहां पर यह खत्म हो रहा है। एंड इसीलिए मैं कहीं ना कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं इस चीज को लेके कि ओमिक्रॉन अब उतना ज्यादा खतरनाक नहीं हो पाएगा या उतना ज्यादा खराब नहीं कर पाएगा। एंड इसी कारण से दिस ओमिक्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू द फ्लू। तो बहुत जल्दी शायद रिसर्च में ये न्यूज आने लग जाएगी या बहुत जल्दी हमें इस बात का पता चल जाएगा कि ओमिक्रॉन उतना ज्यादा खराब नहीं कर रहा एंड कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो सभी के ऊपर उतने उस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं कर रही। एक छोटा सा मैं एनालिसिस देख रहा था, कैलकुलेशंस देख रहा था एंड उसके बाद मैंने कुछ न्यूज़ भी देखी कि अफ्रीका में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, आखिर अफ्रीका में कितना ज़्यादा डेंजर इम्पैक्ट इसका चल रहा है। तो कुछ न्यूज़ वहाँ पे निकल के आई थी कि 100 पेशेंट्स अभी हैं अफ्रीका में इस ओमिक्रॉन के, और आउट ऑफ द 100 देयर इज अ 1 पेशेंट हु इज ऑन वेंटिलेटर राइट नाउ। इट्स नॉट डेड, ही इज ऑन वेंटिलेटर राइट नाउ एंड इट्स लॉन्ग डेज आर पासिंग ओनली एंड द पर्सन इज फाइटिंग टू गेट रिकवरी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस अपने आप को उस लेवल पे स्टेबल कर पाएंगी कि वो ओमिक्रॉन से फाइट कर पाए और ओमिक्रॉन उतनी ज़्यादा तबाही नहीं मचाएगा, ओमिक्रॉन आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगा एंड ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे अपने आप को लेकर के फ्लू में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। एंड अगेन एक चीज़ और कहूँगा दैट ओमिक्रॉन इज नॉट अ लास्ट वेरियंट, बट वेरिएंट अभी और भी आएंगे विच विल बी द म्यूटेशंस जो कि लोअर ग्रेड म्यूटेशंस रहेंगे यहाँ पर आप कह सकते हैं, और डाउन ट्रेंड म्यूटेशंस रहेंगे, क्योंकि जब आप किसी वायरस को फ्लू में कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं तो उसके म्यूटेशंस ही उसको फ्लू में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट इज़ द बेसिक साइंस जो कि हम सभी को पता है। और इसी कारण से ओमिक्रॉन के बाद हो सकता है कि आगे फ्यूचर में कोई और भी नया वेरियंट आए जो कि अगेन एक नए नाम से जाना जाएगा, बट वो भी उतना खतरनाक नहीं होगा बिकॉज अब ओमिक्रॉन के बाद जो भी म्यूटेशन आएंगे वो ओमिक्रॉन से कम खतरनाक होंगे। इसी तरह से डेल्टा के बाद जो भी म्यूटेशन आया है वो डेल्टा से कम खतरनाक ही होगा बिकॉज डेल्टा ने ऑलरेडी टॉप लेवल टच कर लिया है। तो अभी दो चीजें आप सभी के साथ क्लियर हो चुकी हैं, भारत पहुंच चुका है ओमिक्रॉन, कोई घबराने वाली बात नहीं है, भारत में ऑलरेडी पहुंचने के बाद भी ये उतना खराब इंपैक्ट नहीं दे पाएगा। और क्या ओमिक्रॉन वाकई में एक डेंजर वायरस है या ओमिक्रॉन वाकई में डेंजर इंपैक्ट देने वाला है, तो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म पर जो कैलकुलेशंस आती हैं उसमें मैं ओमिक्रॉन को उतना ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा। अगर आप देखेंगे ग्रहों की चाल को और काल पुरुष की कुंडली को भी अगर आप देखेंगे और भारत की कुंडली को भी अगर आप देखेंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। काल पुरुष की कुंडली का एक छोटा सा प्लैनेट आपको बताता हूँ विच इज़ मर्करी, एंड मर्करी यहाँ पर जो है वो एक अच्छे लेवल पर ट्रांजिट कर रहा है, अच्छे लेवल पर यहाँ पर रन कर रहा है। जब तक कि बुध खराब नहीं होगा तब तक कि वायरस फैलेगा नहीं या फिर वायरस बड़े लेवल पर फैलता हुआ नजर नहीं आएगा एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। सेकेंड चीज, बिकॉज द मार्स इज एक्टिव नाउ, तो मंगल जब एक्टिव हो चुका है तो ब्लड सेल्स एक्टिव हो चुके हैं और ब्लड सेल्स जैसे ही एक्टिव हुए हैं यहाँ पर केसेस जो हैं वो डाउन ट्रेंड पर ही जाएंगे, अप ट्रेंड पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्लड रेडी है फाइट करने के लिए और डिजीज को हराने के लिए। थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, सैटर्न एंड जुपिटर इज away from each other now. Now there is no Saturn-Jupiter conjunction. Now there is nothing Jupiter is going to bad over here. Now there is nothing Saturn is going to bad over here. It means कि हम सभी को नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, कुछ specific लोगों को ही नुकसान होगा। अब किसको नुकसान होगा ये मेरे अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा, आपको clearly मैं बता दूंगा कि किस किस तरह के लोगों को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, किस राशि वालों को अभी थोड़ा बच के रहने की जरूरत है और कहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा नुकसान दिखना पड़ सकता है। बट फॉर द टाइम राइट नाउ जो मेरा कैलकुलेशन है वो बड़ा क्लियर है आप सभी के लिए, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताता, मैं सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, सिंपल चीज़ें डिलीवर करता हूँ और आप सभी को सही रास्ता दिखाने की ही कोशिश करता हूँ, ना कि कन्फ्यूज करके गुमराह करने की कोशिश करता हूँ। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, प्रिकॉशंस थोड़ा सा रखिए, फ़ायदा ही मिलेगा, और नाराज मत होइए अपने आप से, परेशान मत होइए अपने आप से, ये और इस वायरस के कारण से अपने आप को दुखी बिल्कुल भी मत करिए, अपने परिवार को एक उम्मीद के साथ रखिए, होप के साथ रखिए, खुद भी अपनी होप मत छोड़िए और परिवार की होप भी बन के रहिए, आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं है।
प्रिकॉशंस रखना है, सेफ्टी रखनी है, ट्रैवल कर सकते हैं आप, उसमें भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और चीज़ों को मैनेज करके चलिएगा। लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, आगे चीज़ें कैसे चलेंगी, आगे क्या क्या होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, सारी चीज़ों के ऊपर आपको वीडियो टाइम पे मिल जाएंगे। बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना है। ओमिक्रॉन को, ओमिक्रॉन नाम में ही आप देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वीटनेस है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये क्या ही नुकसान कर देगा, समथिंग लाइक दैट। एंड आप देखिए कि ओमिक्रॉन का जो कैलकुलेशन आता है, जो वैदिक कैलकुलेशन आता है ओमिक्रॉन नाम का भी, वो भी उतना ज़्यादा खराब कैलकुलेशन नहीं आता। इट्स अ फ्लक्चुएटिंग कैलकुलेशन। फ्लक्चुएटिंग कैलकुलेशन मीन्स कि ये एक डाइवर्जन लेकर रहेगा हमेशा, ये एक पेंडुलम के जैसे हमेशा टिल करेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ही जाएगा, बट ये कभी भी स्टेबल फिक्स नहीं हो सकता, इसका कैलकुलेशन ही ऐसा है। तो जब वेरियंट का नाम भी जब बना है, उसका कैलकुलेशन भी उस लेवल पे नहीं बना, तो फिर वहाँ पर वो वेरिएंट या वो वायरस कितना खतरनाक होगा, इसके बारे में सोच के क्यों परेशान होना। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये वायरस ज़्यादा खतरनाक नहीं है, यही मेरा कैलकुलेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।